Hi, I welcome you all on Knowledge Valley YouTube channel. Today is 11th of October 2019 and we are here to discuss editorials of the Hindu newspaper. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम कौन से कौन से आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले यहाँ पर जो आर्टिकल है और ये जो यहाँ पर लीड आर्टिकल है, ये दोनों आर्टिकल इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं और कैसे ममल्लापुरम समिट जो कि आज ऑर्गेनाइज हो रहा है इन ममल्लापुरम सिटी ऑफ तमिलनाडु, वहां पे इंडिया और चाइना कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में बात करता है. इन दो आर्टिकल्स के अंदर बेसिकली इंडिया और चाइना के हिस्टोरिकल रिलेशंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. हम इन आर्टिकल को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे. आगे देखते हैं कि हम और आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है वो IMF की नई मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिव्या उनकी मेडम स्पीच के बारे में बात करता है. यहाँ पे इस आर्टिकल में उनकी स्पीच को एग्जामिन किया गया है. हमारा जो लास्ट आर्टिकल रहेगा आज का वो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल के बारे में है. यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो अप्रोच फॉलो किया है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल को ड्राफ्ट करने में, उसको क्रिटिसाइज किया गया है. तो चलिए आज के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. हमारा जो आज का पहला आर्टिकल है वो है अ चेन्नई सेटिंग, द मोदी शी समिट माइट रिस्टोर द बोनहोमी इन टाइज दैट शो स्ट्रेन रिसेंटली. इस आर्टिकल को आप GS पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ रिलेट कर सकते हो. तो सबसे पहले आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप की जरूरत है और क्यों, क्योंकि इंडिया चाइना ये दोनों 3380 किलोमीटर की कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं. इंडिया और चाइना के बीच में थाउजेंड ऑफ ईयर की एक कॉमन हिस्ट्री रही है और इंडिया और चाइना के बीच में पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा के समय से जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कंटिन्यू हो रहे हैं. तो इसके चलते अगर इंडिया और चाइना को ग्रो करना है तो उनको एक यूनिक रिलेशनशिप की ज़रूरत है. आगे आर्टिकल में दिया गया है कि ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पे इंडिया और चाइना साथ में मिलकर काम कर सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट की बात की गई है. इंडिया और चाइना के बीच में 53 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है और ये मेजरली इंडिया के अगेंस्ट में है. जो भी ट्रेड होता है उसका बेसिकली प्रॉफिट देखा जाए तो वो चाइना को होता है, क्योंकि चाइना का बहुत सारा माल ये इंडिया के अंदर इम्पोर्ट होता है. सेकेंड, अगर हम एरिया की बात करें तो कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इंडिया और चाइना के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और यहाँ पे WTO की बात की गई है. देखिए यहाँ पे WTO को मेंशन करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि इंडिया बहुत से वक्त चाइना के अगेंस्ट में प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज़ को अपनाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है. हमने देखा कि कैसे 53 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट चाइना के फेवर में है. तो इसके चलते अगर इंडिया को अपनी इन्फेंट इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है और अपने मार्केट को चाइना के माल से बचाना है तो इंडिया को ऐसी पॉलिसी को अपनाना पड़ता है और यही चाइना के लिए कंसर्न बन जाता है. थर्ड फैक्टर की बात करें तो इंडिया और चाइना साथ में मिलकर क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को इंटरनेशनल लेवल पर रेस कर सकते हैं. फोर्थ फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे टेररिज्म भी दोनों के लिए कॉमन कंसर्न है. आगे आर्टिकल के अंदर इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बीच में कुछ पॉजिटिव एक्शंस को और कुछ नेगेटिव एक्शंस को डिस्कस किया गया है कि कैसे अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मसूद अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद का चीफ है उसको टेररिस्ट घोषित करने के लिए चाइना ने इंडिया को सपोर्ट किया. हालांकि ये बहुत सालों से चाइना इस मूव को अपोज कर रहा था लेकिन आखिरकार चाइना ने इंडिया का साथ दिया, एज वेल एज जो पुलवामा अटैक हुआ था उसको भी चाइना ने कंडेम किया. तो ये कहीं ना कहीं पे इंडिया और चाइना के एक पॉजिटिव रिलेशंस के बारे में बात करता है. आगे अगर हम देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट का जो कश्मीर के लेके डिसीजन था उसको भी यहाँ पे चाइना ने सपोर्ट किया और ये कहीं ना कहीं पे वुहान समिट का एक सक्सेस माना जाता है, क्योंकि वुहान समिट के अंदर हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे और इसी को रिस्पेक्ट करते हुए चाइना ने UNSC के अंदर इंडिया के इस मैटर को ज़्यादा हवा नहीं दी. लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है, कुछ ऐसे एक्ट भी है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है उसको और ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं.
अगर हम नेगेटिव एक्शंस की बात करें तो जिस हफ्ते में मतलब आज के दिन जब शी जिनपिंग इंडिया में आ रहे हैं और वो ममल्लापुरम में इन्फॉर्मल समिट अटेंड कर रहे हैं, तो इसी वीक के अंदर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी चाइना के अंदर बुलाया था और उनके साथ एक मीटिंग कंडक्ट की थी। और ये कहीं ना कहीं पे इंडिया और चाइना के बीच में जो अच्छे रिलेशन है उसके बीच में एक कंसर्न पैदा कर सकता है। ये एक साइन है कि कैसे चाइना पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में इंटरेस्टेड है। सेकेंड नेगेटिव फैक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया ने भी ड्यूरिंग दिस ममल्लापुरम समिट ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक माउंटेन कॉम्बैट एक्सरसाइज को इनिशिएट कर दिया। बेसिकली देखिए, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री को लेके इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स है, और ड्यूरिंग शी जिनपिंग के विजिट ऐसा कुछ एक्सरसाइज वहाँ पर परफॉर्म करना ये इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन क्रिएट कर सकता है। आगे आर्टिकल में आशियान लेड आरसीईपी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की गई है। मैं चाहूँगा कि आप आशियान लेड आरसीईपी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन इंडिया इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अपोज कर रहा है क्योंकि इंडिया के ऐसे कंसर्न है कि अगर इंडिया ने चाइना को फ्री ट्रेड एक्सेस दे दिया टू द इंडियन मार्केट तो इट मे पॉसिबल कि चाइना के बहुत सारे गुड्स इंडिया के अंदर आ जाए और इंडिया के लिए ट्रेड डेफिसिट जो कि अभी 53 बिलियन डॉलर्स का है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। एज वेल एज इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है जहाँ पे इंडिया का एक स्ट्रांग होल्ड है उसको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर शामिल नहीं किया गया है, तो इन दो कंसर्न्स के चलते इंडिया इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन नहीं कर रहा है। आगे आर्टिकल के अंदर बात की गई है कि इंडिया और चाइना ने जो भी अपने बायलेटरल ट्राइड्स में डाउनस्लाइड्स है उनको ख़त्म करना चाहिए और एक रोबस्ट कम्युनिकेशन मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी टेंशन है उसको कम किया जाए और एक हेल्दी फ्यूचर की तरफ प्रोग्रेस किया जाए। और इसी के चलते चेन्नई के अंदर जो ममल्लापुरम समिट अभी ऑर्गेनाइज हो रही है वो कहीं ना कहीं पर एक पॉजिटिव मूव माना जा सकता है। इंडिया और चाइना ट्रेड, ट्रैवल और फेथ इन तीन फैक्टर्स के ऊपर वर्क करके अपने रिलेशंस को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो ये तो पूरा आर्टिकल, बढ़ते अगले आर्टिकल की तरफ। आज का हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो है इन ममल्लापुरम सीकिंग द ट्रू नॉर्थ इन टाइज। द इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ लीडर्स टू रीसेट रिलेशंस इन एन एरा ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक फ्लक्स। इस आर्टिकल को भी आप जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ रिलेट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हिस्ट्री में इंडिया और चाइना के बीच में ऐसे कौन से इवेंट्स थे कि जिसके चलते इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बीच में टेंशन बढ़ गई थी। तो सबसे पहले बात किया जाए तो चाइनाज पोजिशन ऑन इशू सच एज मसूद अजहर। चाइना मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बीच में रोड़ा ला रहा था, तो इसके चलते इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस में कहीं ना कहीं पे तंगी आ चुकी थी। सेकंड अगर बात करें तो इंडिया की एनएसजी की मेंबरशिप के बारे में। तीसरा था ट्रेड के बारे में कि हमने देखा है कि कैसे इंडिया और चाइना के बीच में 53 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है और ये बेसिकली चाइना के फेवर में है और इसके चलते इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस में कहीं ना कहीं पे इश्यूज आ रहे थे। चौथा था इन रोड इनटू साउथ एशिया, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एज वेल एज उनका सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये इंडिया की सोवरेनिटी को वॉयलेट कर रहा था, तो इसके चलते भी इंडिया और चाइना के बीच में इश्यूज हो रहे थे। आगे अगर देखा जाए तो चाइना का जो पाकिस्तान को सपोर्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर ये भी इंडिया के लिए एक कंसर्न है। फिर आगे अगर बात की जाए तो चाइना की इकोनॉमी कहीं ना कहीं पे स्लो डाउन कर रही है एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स का जो साउथ एशिया के अंदर इन्फ्लुएंस है वो भी चाइना के लिए कंसर्न्स क्रिएट कर रहा है। इंडिया कहीं ना कहीं पे यूएसए की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ दिखता है और इसी के चलते चाइना और इंडिया के रिलेशंस के बीच में थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं। आगे अगर बात की जाए तो चाइना एनवायरमेंट और जो लेबर लॉस है उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है और इसी की वजह से इंडिया चाइना को लेकर परेशान रहता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि हिस्टोरिकली कौन से पॉइंट्स थे कि जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस खराब हो रहे थे। तो सबसे पहले चाइना का मसूद अजहर को लेकर जो स्टैंड था वो। सेकंड, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर इंडिया के मेंबरशिप। थर्ड, ट्रेड डेफिसिट। फोर्थ,
जो चाइना के साउथ एशिया के अंदर प्रोजेक्ट्स है वो, फिफ्थ चाइना का पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर को लेकर सपोर्ट, सिक्स चाइना की खुद की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है एज वेल एज यूएसए का साउथ एशिया के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और इंडिया कहीं ना कहीं पे यूएसए को सपोर्ट कर रहा है। आगे चाइना वो एनवायरमेंटल लॉस और लेबर लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करता और इसी के चलते इंडिया और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं पे कंसर्न्स आ रहे हैं। आगे इस आर्टिकल में चाइना का कश्मीर को लेकर व्यू को डिस्कस किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे चाइना चाहता है कि कश्मीर का जो इशू है उसको इंडिया और पाकिस्तान बायलेटरल एग्रीमेंट से सॉल्व करें, एज वेल एज ड्यूरिंग द सॉल्यूशन यूनाइटेड नेशन चार्टर और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है और उसके अंदर जो भी प्रोसीजर्स दी गई है उसको रिस्पेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग अपने इशू को सॉल्व करें। लेकिन ये एडवाइस देते टाइम चाइना ये भूल रहा है कि पास्ट में उसने जो भी पाकिस्तान के साथ डील की थी, जैसे कि मार्च 2 1963 का पाकिस्तान के साथ का अग्रीमेंट एज वेल एज सीपेक का जो इनिशिएटिव है वो खुद कहीं ना कहीं पे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है और उसके अंदर जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसको वायलेट कर रहा है। तो चाइना ने खुद अपना हिस्ट्री देख लेना चाहिए और उसके बाद ही इंडिया को कुछ भी सजेस्ट करना चाहिए। एज वेल एज अगर आगे बात करें तो जो अक्साई चीन का रीजन है जो कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है, एज वेल एज जो 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड जो कि पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया था अकॉर्डिंग टू 1963 अग्रीमेंट, ये भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन का जो स्पिरिट है उसको वायलेट कर रहा है। आगे आर्टिकल में इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस की बात की गई है कि कैसे इंडिया और चाइना के बीच में हिस्टोरिकल जो रिलेशंस रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे ये जो डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है आफ्टर द 1962 वॉर इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस को नॉर्मलाइज होने के लिए 14 ईयर्स लगे थे। आफ्टर द 1998 इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उसके बाद जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस है उसको नॉर्मलाइज होने में 2 ईयर्स लगे थे और डोकलाम में जो इश्यूज हुए थे ड्यूरिंग द 2070s उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ब्रिक्स समिट के चलते ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं पे इंडिया और चाइना के बीच में जो भी टाइज है उसके बीच में मैच्योरिटी दिखा रहा है कि कैसे दोनों को एक दूसरे का इम्पोर्टेंस मालूम है और दोनों एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। तो इसके लिए जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको बायलेटरली और जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा रहा है। आगे इस आर्टिकल में इंडिया और चाइना की शेयर्ड हिस्ट्री को डिस्कस किया गया है कि कैसे हमने पहले भी आर्टिकल्स में देखा था कि पल्लवा जो एम्पायर था उससे चाइना के बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे, एज वेल एज यहाँ पे एक सेंट एक मॉन्क का नाम डिस्कस किया गया है वो है बोधिधर्मा। बोधिधर्मा इज अ फाउंडर ऑफ ध्यान स्कूल ऑफ मेडिटेशन एट द शॉलिन मोनेस्ट्री इन हेनान प्रोविंस इन चाइना एंड ही इज हेल फ्रॉम दिस रीजन। तो बेसिकली यहाँ पे ममल्लापुरम जो सिटी है उसका इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है कि कैसे बोधिधर्मा करके एक मॉन्क थे जो कि फाउंडर थे ध्यान स्कूल ऑफ मेडिटेशन और ये जो ध्यान स्कूल ऑफ मेडिटेशन थी इसको शाओलिन मोनेस्ट्री के अंदर प्रीच किया गया था जो कि हेनान प्रोविंस के अंदर है। और ये एक इंसिडेंस इंडिया और चाइना की शेयर्ड हिस्ट्री को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। जो भी बोधिधर्मा थे वो ममल्लापुरम के अंदर रेज हुए थे और इसके चलते इंडिया और चाइना एक हिस्टोरिकल अलाइज है और वो आगे भी अपनी इसी हिस्ट्री को कंटिन्यू कर सकते हैं, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है। आगे आर्टिकल में चाइना के एफडीआई के बारे में बात की गई है। तो चाइना का जो एफडीआई है इंडिया के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली $8 बिलियन का है। तो ये दिखा रहा है कि कैसे चाइना के पास और भी वाइड स्कोप है कि वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर पाए और इंडिया की इकोनॉमी को एज वेल एज खुद की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर पाए। आगे आर्टिकल में चाइना के सामने ग्लोबली कौन से कंसर्न से उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले बात की गई है यूएस और चाइना के रिलेशन के बीच में। हम जानते हैं कि कैसे यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है और अभी यूएसए ने 20 चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज को वहां पे
यानी कि यूएसए के अंदर बैन कर दिया। और जब इसका रीजन पूछा गया तो उन्होंने सिंजियांग रीजन के अंदर जो भी उइगुर मुस्लिम से उनके ऊपर जो चाइना के द्वारा एट्रोसिटीज परफॉर्म हो रही है उसको हाईलाइट किया और बताया कि इसके चलते हम जो 28 चाइनीज कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है उसको यूएसए के अंदर बैन कर रहे हैं। सेकेंड अगर कंसर्न की बात करें तो हांगकांग का इश्यू कि कैसे हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से हांगकांग के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इसके चलते चाइना का जो 2049 का जो ड्रीम है कि वो चाइना को एक पूरी तरह से इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं पे चैलेंज हो रहा है। और हांगकांग के प्रोटेस्ट के चलते ही जो कि ताइवान का मॉडल है उसको भी एक शक की नज़र से देखा जा रहा है। और अगर चाइना ने इन दो इश्यूज को जल्दी ही सॉल्व नहीं किया तो ये उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। अब आगे हम वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं कि कैसे इंडिया और चाइना साथ में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। वे फॉरवर्ड के अंदर बात की गई है कि अगर इंडिया और चाइना को साथ में बढ़ना है तो कॉम्पिटिशन को कन्फ्लिक्ट के अंदर बदलने से रोकना होगा, एज वेल एज जो भी डिफरेंसेस है उनको डिस्प्यूट के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देना है, तभी जाके इंडिया और चाइना साथ में आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रस्ट, कॉरपोरेशन और फ्रेंडशिप को डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंट के ग्लोबलाइजेशन के सिनेरियो के अंदर और जहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड एस्टेब्लिश्ड हो रहा है वहाँ पे एक दूसरे के कॉरपोरेशन के साथ ही इंडिया और चाइना आगे बढ़ सकते हैं। अब साथ में आगे बढ़ने में कौन से स्टेप्स हैं जो कि हेल्पफुल साबित हो सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि जो भी इश्यूज रहेंगे उनको हम बायलेटरली ही सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन किसी भी तरीके से इसके अंदर अवॉइड किया जाएगा। सेकेंड यहाँ पे स्टेप बताया गया है कि जो भी मीडिया कवरेज है उससे हमारे जो रिलेशन है उसको दूर रखा जाएगा, मीडिया क्या बोल रहा है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। तीसरा बात किया गया है यहाँ पे कि हमें चाइना और इंडिया को आइडियाज़ को एक्सचेंज करवाना होगा और इसमें यूथ जो है ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकता है, तो यूथ को एक फ्री एक्सेस देना चाहिए कि वो एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर कर सके और साथ में मिलके कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सके। चौथा यहाँ पे मेजर दिया गया है कि इंडिया और चाइना की जो आर्म फोर्सेस है जिनके बीच में बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट चलते रहता है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं पे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म को डेवलप करना चाहिए ताकि ये जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स है उसको अवॉइड किया जा सके। और लास्ट में बात की गई है कि कैसे 58 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। तो ये था पूरा आर्टिकल इंडिया और चाइना के बीच में। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है इट इज स्टिल एन एम्बर लाइट फॉर रोड सेफ्टी इन स्पाइट ऑफ द एम्बिशियस प्रोविजंस इन द अमेंडमेंट मोटर व्हीकल लॉ सेफ रोड बिहेवियर इज स्टिल माइल्स अवे। इस आर्टिकल को आप GS पेपर 2 के गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दैट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन से रिलेट कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस आर्टिकल के अंदर क्या बताया गया है। तो इंडियन पार्लियामेंट ने अपने मॉनसून सेशन के अंदर द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 को पास करवा दिया। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का एम था कि जो भी ट्रैफिक फैटलिटीज होती है उसको रिड्यूस करना एज वेल एज जो भी हाईवे के ऊपर इंजरीज होती है उसको कम करना। तो इस बिल के अंदर कुछ नए प्रोविजंस को ऐड किया गया। वन बाय वन हम उस प्रोविजंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन था अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड टू प्रोवाइड कंपलसरी इंश्योरेंस कवर टू ऑल रोड यूजर्स। सेकंड, डिफाइनिंग अ गुड समार्टियंस। थर्ड, रिकॉल ऑफ अ डिफेक्टिव मोटर व्हीकल्स। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी। फिफ्थ, अ नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। सिक्स, रिकॉग्नाइजिंग टैक्सी एग्रीगेटर्स। एंड लास्ट, इंक्रीज पेनल्टीज फॉर सेवरल ऑफेंसेस। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला जो प्रोविजन है दैट इज इंक्रीज पेनल्टीज फॉर सेवरल ऑफेंसेस, इसके चलते बहुत सारे स्टेट्स ने इस एक्ट को लागू करने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि जो भी प्रोविजन्स की गई है पेनल्टीज की वो बहुत ही ज़्यादा है
और इसके चलते कहीं ना कहीं पे करप्शन को और ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है। आगे देखते हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट का एम जो था वो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है और यूनाइटेड नेशन का जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना था। तो यूनाइटेड नेशन का जो टारगेट है कि ट्रैफिक क्राइसिस होते हैं इंडिया के अंदर उसको 50% से रिड्यूस करना है बाय 2030। तो इसी गोल को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने ये अमेंडमेंट पास करवाया। तो हमने अब तक देख लिया कि यूनाइटेड नेशन का क्या टारगेट है। उन्होंने बताया है कि 50% जो भी ट्रैफिक क्रैशेस रहते हैं उसको बाय 2030 तक रिड्यूस करना है। एज वेल एज हमने देखा कि गवर्नमेंट का क्या एम था और कुछ नए प्रोविजंस जो कि अमेंडमेंट बिल के अंदर ऐड किए गए उनको हमने वन बाय वन स्टडी कर लिया। लेकिन अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की इस अमेंडमेंट लाने के पीछे की थिंकिंग क्या थी। देखिए बेसिकली गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि क्योंकि जो भी मोटर व्हीकल एक्ट था उसके अंदर प्रीवियसली जो भी पेनल्टीज वगैरह थी वो बहुत कम थी, तो इसके चलते एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए थी ड्राइवर्स के ऊपर वो नहीं आ रही थी और इसी के चलते जो एक्सीडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और इसलिए गवर्नमेंट ने इस बार जो अमेंडमेंट एक्ट लाया उसके अंदर जो भी पेनल्टीज थी उसको बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई। और उन्होंने तर्क दिया कि पेनल्टी विल एनकरेज केयरफुल बिहेवियर वाइल ऑन द रोड। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये जो तर्क था उसको हमारे जो राइटर है वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो बताते हैं कि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग लेन विड्थ, शोल्डर प्रेजेंट एंड नंबर ऑफ लेन्स एज वेल एज मीडियन डिजाइन, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक ड्राइवर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, लेन विड्थ, शोल्डर प्रेजेंस, नंबर ऑफ लेन्स एज वेल एज मीडियन डिजाइन, ये चार फैक्टर है जो कि ड्राइवर के कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और यही फैक्टर्स ड्राइवर की स्पीड और लेन चेंजिंग जैसे बिहेवियर को भी डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो तर्क है कि पेनल्टी इंक्रीज करने से जो ट्रैफिक बिहेवियर है वो सुधरेगा, तो वो कहीं ना कहीं पे इलॉजिकल लग रहा है। आगे देखते हैं कि इसके लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो जो भी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन रहती हाईवे की उसको इम्प्रूव किया जाए, एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतर बनाने से हम रोड सेफ्टी को अचीव कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि देखिए स्ट्रेट रोड, मोनोटोनस ट्रैफिक एज वेल एज ड्यूअल कैरिएज वे रोड, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ड्राइवर के पोर कर सकती है और इसी के चलते ड्राइवर को नींद आ सकती है और ये एक्सीडेंट को प्रोन हो सकते हैं। हमने कौन से पॉइंट्स को डिस्कस किया, तो हमने देखा कि मोनोटोनस रोड एज वेल एज स्ट्रेट रोड और ड्यूअल कैरिएज रोड और बहुत ही कम ट्रैफिक, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि ड्राइवर को ड्राइविंग के दौरान बोर कर सकते हैं और उसको ऐसा हो सकता है कि इन सब फैक्टर्स के कारण नींद आए और वो जो एक्सीडेंट है उसके और नज़दीक चले जाए। तो अगर इन फैक्टर्स के ऊपर वर्क करना है तो हमको रोड इंजीनियर को रोड की जो भी डिज़ाइन से उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के बारे में बोलना चाहिए, एज वेल एज जो मोनोटोनी की वजह से बोर्डम आता है उसको कम करने की तरफ प्रयत्न करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि कैसे सेफ्टी को एंश्योर करने के लिए कुछ फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके अंदर पहला फैक्टर है रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन फ्रेल्टी। देखिए फ्रेल्टी का मतलब ये होता है कि वीकनेस होता है। तो सबसे पहले हमको ह्यूमन के वीकनेसेस को स्टडी करना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ अ ह्यूमन एरर, ह्यूमन कहाँ कहाँ पे एरर कर सकता है उस कंडीशंस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और थर्ड, उसके अकॉर्डिंग हमको पॉलिसीज बनानी चाहिए, दैट इज क्रिएशन ऑफ अ फॉरगिविंग एनवायरनमेंट एंड अप्रोप्रिएट क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमको ह्यूमन के वीकनेसेस को स्टडी करना चाहिए, एज वेल एज सेकेंड स्टेप में हमको उनके जो एरर्स हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और थर्ड स्टेप में हमें उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनानी चाहिए। आर्टिकल में आगे US और यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कैसे सिर्फ रोड स्टैंडर्ड
अकेले ही सेफ्टी को एंश्योर नहीं कर सकते, इसके लिए हमको सेफ्टी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है और उसके अकॉर्डिंग ही आगे पॉलिसीज बनानी चाहिए। आगे देखते हैं कि फैक्टर्स इन इंडिया, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इंडिया के अंदर ट्रैफिक को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और एक्सीडेंट की तरफ धकेलते हैं। तो इंडिया के अंदर जो भी ट्रैफिक रहता है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स तरीके का रहता है। यहाँ पे ट्रैक्टर्स, थ्री व्हीलर्स, कार, बसेस, ट्रक ट्रेलर, ये सब एक ही हाईवे के ऊपर और एक ही समय पर साथ में रन करते हैं। तो देखिए, जितने अलग अलग व्हीकल्स रहेंगे उतने अलग अलग उनके फीचर्स रहेंगे और इसके चलते जो ड्राइवर्स रहते हैं वो ड्राइविंग के दौरान कंफ्यूज हो सकते हैं और एक्सीडेंट की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे जब नॉर्थ अमेरिका की बात की जाती है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस ट्रैफिक देखने को मिलता है और इसके चलते वहाँ पे जो भी एक्सीडेंट्स के केसेस है वो कम देखने को मिलते हैं। और जब भी हम इंडिया के हाईवेज़ की बात करें तो यहाँ पे जो पेडेस्ट्रियंस रहते हैं एज वेल एज जो मोटरसाइकिलिस्ट रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोन रहते हैं टू द एक्सीडेंट्स। अब आर्टिकल में आगे कुछ डेटा की बात की गई है। सो अ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रिपोर्ट ऑफ 2018 हैज लिस्टेड 151,430 फैटलिटीज। हावेवर फॉर द सेम ईयर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट नियरली 300,000 डेथ्स। इनफैक्ट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टडी बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया द मिलियन डेथ स्टडी also report as at least a 50% under reporting of traffic fatalities and a high share of pedestrian and motorized two-wheeler as road traffic collision victim when compared to the Ministry of Road Transport and Highways report. तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की उसके अकॉर्डिंग 151,430 फैटलिटीज़ हुई और जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट बाहर निकाली उसके अकॉर्डिंग 300,000 डेथ्स हुए। और हमने देखा कि कैसे रजिस्ट्रार जनरल की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और जो हाईवे है उन्होंने जो भी फैटलिटीज़ का आंकड़ा था उसको कहीं ना कहीं पे कम करके बताया और इसके चलते हमको जो डेटा चाहिए था कि जिसके अकॉर्डिंग हम पॉलिसीज बना सके वो हमें नहीं मिल पाया। और यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म और आता है कि कैसे जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल है उसने जो डेटा का रिलायबिलिटी होना चाहिए, मतलब कि डेटा को स्टडी करके हम पॉलिसीज बनाते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे उस डेटा को प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किया गया है और उसको स्टडी नहीं किया गया है। और इसी के चलते जो भी प्रिवेंटिव डिजाइन और स्ट्रेटेजीज बनाई गई है उसके अंदर भी लूप होल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे देख लेते हैं कि जो भी आप पॉलिसीज बनाते हो उसके अंदर एक डेटा ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए। तो डेटा ड्रिवन अप्रोच क्या होते हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो डेटा ड्रिवन अप्रोच के अंदर सबसे पहले देखा जाता है कि क्रैशेस क्यों हुए, उसके बाद उसके फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कि विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस रिस्क। थर्ड चीज जो स्टडी की जाती है वो रहती है व्हाट डिटरमाइंस क्रैश सीवियरिटी। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देखी, सबसे पहले क्रैश क्यों हुआ, सेकेंड ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने क्रैश के जो रिस्क था उसको और ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, थर्ड जो क्रैश की सिवियरिटी की थी वो कितनी ज़्यादा थी या कितनी कम थी। इन तीन चीज़ों को स्टडी करने के बाद उनका एक प्रॉपर डेटा बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आगे की स्ट्रेटेजीज को प्लान किया जाता है। ये है डेटा ड्रिवन अप्रोच। लेकिन कहीं ना कहीं पे हमने देखा कि जो डेटा प्रोवाइड किया गया था बाय द मिनिस्ट्री वो ही सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो इसके चलते हम डेटा ड्रिवन अप्रोच को भी अप्लाई नहीं कर पाए। आगे देखते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच क्या रहना चाहिए। यहाँ पे बात की गई है कि आप जो भी डेटा को गैदर करते हो वो डेटा गैदरिंग के पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए और वो साइंटिफिक अप्रोच कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले आपको क्रैश डेटा जो मिलता है उसके पीछे का एक बैकग्राउंड डेटा भी रहता है वो भी आपको गैदर करना चाहिए, एज वेल एज एक्सपोजर डेटा एंड डेटा ऑन सेफ्टी परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इन सब डेटा को मिला के फिर आपको एक क्यूमुलेटिव डेटा को बनाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी स्ट्रेटेजीज को प्लान करना चाहिए। तो ये जो बेसिक प्रोसेस है जहाँ पर सबसे पहले क्रैश डेटा, उसके बाद बैकग्राउंड डेटा, उसके बाद एक्सपोजर डेटा एंड लास्ट में डेटा ऑन सेफ्टी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को गैदर किया जाता है, इसको साइंटिफिक अप्रोच ऑफ डेटा कलेक्शन बोला गया है। और बताया गया है कि कैसे इंडिया के अंदर अब तक इस
कल्चर का प्रीच नहीं किया जा रहा है। अब आगे हम वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। वे फॉरवर्ड के अंदर बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं और उसके बाद जो भी फैटलिटीज होती है, इसका जो हेल्थ बर्डन है वो कहीं ना कहीं पे हर एक इंडिविजुअल के ऊपर आ जाता है और इसके चलते वो जो फैमिली है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाती। तो इंडिया ने एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए जो कि इंडिया का जो यूथ है उसको ड्राइविंग के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवा सके, एज वेल एज न्यू स्टैंडर्ड जो भी रोड के सेट किए जाते हैं उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करवाई जा सके, ताकि आगे चल के जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते भी है तो उस टाइम पे उस विक्टिम को कैसे ट्रीट किया जाए, ताकि उसके ऊपर जो हेल्थ बर्डन है वो कम किया जा सके, इसके बारे में नॉलेज शेयर किया जा सके और एक सेफ रोड बिहेवियर का जो कल्चर है उसको प्रीच किया जा सके। तो ये तो पूरा आर्टिकल, पढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हमारा जो आज का लास्ट आर्टिकल है वो है गोइंग डाउन टुगेदर, द वर्ल्ड मस्ट हीड द IMF वार्निंग दैट एवरीवन लूजेस इन अ ट्रेड वॉर। इस आर्टिकल को आप GS पेपर 2 के इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा द स्ट्रक्चर एंड मैंडेट से रिलेट कर सकते हो। तो बेसिकली IMF के अंदर अभी एक नए मैनेजिंग डायरेक्टर आ गए हैं, उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीविया। देखिए ये नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी पीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं उनके लिए ये नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उन्होंने अपनी एक मेडन स्पीच दी और इसके अंदर उन्होंने जो जो बातें कही उस बातों को यहाँ पे एग्जामिन किया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने इंडिया और ब्राज़ील की इकोनॉमी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इंडिया एंड ब्राज़ील इकोनॉमी विटनेसिंग अ प्रोनाउंस ग्रोथ स्लो डाउन एज वेल एज द ग्लोबल ग्रोथ एक्सपीरियंस अ सिंक्रोनाइज्ड डाउन स्विंग। सेकेंड, उन्होंने बताया कि IMF ने जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की है उसके अंदर 90% स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, एज वेल एज अगर हम 2 साल पहले के डेटा को कंपेयर करें तो 2 साल पहले जो ग्लोबल इकोनॉमी था उसके अंदर 75% का ग्रोथ, एक्सेलरेटेड ग्रोथ देखने को मिला था। आगे हम बात करें तो जो ग्लोबल ग्रोथ है वो अब तक के इस डिकेड के सबसे लोएस्ट मार्क को टच कर रहा है। थर्ड फैक्टर की बात करें तो इंडिया के लिए जो IMF ने एक फोरकास्ट रखा था ग्रोथ के बारे में, उसको उन्होंने 30 बेसिस पॉइंट तक कम कर दिया है और उसका फोरकास्ट 7% के ऊपर लाकर रख दिया है। तो यहाँ पे 4 फैक्टर के ऊपर मेजर फोकस था। सबसे पहले इंडिया और ब्राज़ील की इकोनॉमी जो कि एक प्रोनाउंस स्लो डाउन को फेस कर रही है। सेकेंड, रिसेंटली हम 90% स्लो डाउन इन द ग्लोबल इकोनॉमी देख पा रहे हैं। थर्ड, इस डिकेड के अंदर जो ग्लोबल स्लो डाउन है वो लीस्ट मार्क को टच कर चुका है। और फोर्थ, इंडिया का जो GDP फोरकास्ट है वो 7% तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे इस स्लो डाउन के बारे में बात करते हुए उन्होंने ट्रेड वॉर का जो फैक्टर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने बताया कि कैसे US और चाइना के बीच में चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से जो टोटल ग्लोबल GDP है उसके अंदर 0.8% तक का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है बाय द ईयर 2020। उन्होंने आगे ये भी मेंशन किया कि ट्रेड वॉर के चलते किसी को भी फायदा नहीं पहुंचेगा, जबकि दूसरी जो ग्लोबल इकोनॉमीज है उनको भी लॉस को फेस करना पड़ सकता है। आगे देखते हैं डेप्ट और ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी को हेल्प हो सकता है क्योंकि अभी ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है और इसके चलते जो भी इंटरेस्ट रेट रहेंगे वो बहुत ही कम हो जाएंगे और इसके चलते जो भी इंडस्ट्रीज है उनको इजी लोन्स और कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स प्रोवाइड हो पाएंगे, जो कि उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर वे, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है तो जिनको कंपनीज को लोन प्रोवाइड किया गया था उनके पास से वो वापस लेने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। और क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है एज वेल एज जो भी इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ही ज़्यादा लो हो रहे हैं और जो भी लोन्स दिए गए थे वो भी NPA के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसके चलते जो भी गवर्नमेंट से उसके ऊपर बर्डन बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। आगे जब हम सॉल्यूशन की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जीविया ने बताया कि जो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है जो IMF पब्लिश करता है उसके अंदर कुछ सॉल्यूशंस को मेंशन किया जाएगा, जिसके चलते इंडिया जैसी इकोनॉमी
उन रिफॉर्म्स को अपनी नेशनल इकोनॉमी के अंदर लागू करके अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करवा सकते हैं, एज वेल एज जो भी अपने पीपल है उनका लिविंग स्टैंडर्ड को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का वेट करेंगे और इसके अंदर कौन से सजेशंस दिए गए हैं इंडिया की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में, उसके ऊपर फोकस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये IMF पब्लिश करता है, IMF और भी दूसरे रिपोर्ट पब्लिश करता है, मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें। और ये जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये प्रीलिम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की पूरी डिस्कशन, फिर से एक बार देख लेते हैं कि हम आज ने कौन से आर्टिकल्स को डिस्कस किया। सबसे पहले जो हमने दो आर्टिकल्स डिस्कस किए वो इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में थे। यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट दिए गए थे एज वेल एज पास्ट में इंडिया और चाइना के बीच में कौन से ऐसे फैक्टर्स के जिसकी वजह से दोनों के बीच में टेंशन बढ़ रही थी और कैसे ममल्लापुरम समिट इन टेंशन को कम करने के लिए आगे एक प्रोग्रेसिव पाथ प्रोवाइड करवा सकती है। थर्ड आर्टिकल हमने जो देखा था वो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल के बारे में था और यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कुछ बेसिक फैक्टर जैसे कि एक्सपर्ट व्यू, डेटा ड्रिवन अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच जैसे मेन फैक्टर्स को बाईपास करके एक प्री अजम्पशन के पेनल्टी कम होने की वजह से इंडिया के अंदर केयरलेसली लोग ड्राइव करते हैं, इस अजम्पशन को ध्यान में रखकर ही ये अमेंडमेंट बिल को पास करवा दिया गया और बेसिकली इस बिल को ड्राफ्ट किया गया। लास्ट में हमने देखा कि कैसे जो IMF की नई मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिविया ने इंडिया और ब्राजील की इकोनॉमी को ध्यान में रखा और कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है उसके ऊपर एक स्पीच दी और इस स्पीच को इस आर्टिकल के अंदर एग्जामिन किया गया। तो ये थी पूरी डिस्कशन आज की। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। This video is made by Knowledge Valley team, and if you have any query, please feel free to ask. Our contact details are provided on Knowledge Valley YouTube channel. Remember, asking question is the source of all the knowledge.